हाय गाइस, सो आज हम बात करेंगे एक ऑनलाइन बैंक की जिसका नाम है जुपिटर। अब जुपिटर रीसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ऑफरिंग कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं यूजर्स को। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बैंक को खुद ट्राई करूँ और आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस बता पाऊँ, कैसे आप इस पर अपना अकाउंट खोल सकते हो, क्या क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे और मेरा कैसा यूज़र एक्सपीरियंस रहा इस ऐप के साथ। तो पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो देखने का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमें वीडियो अच्छी लगी। इससे एल्गोरिथम को पता लगेगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इसे और ज़्यादा प्रमोट करेगा, इससे और ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आप इसमें अकाउंट अपना खोल कैसे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना है, बहुत ही ज्यादा इजी फॉर्म है, आप उसे अपने आप भर सकते हो। बस आपको नाम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो बेसिक डिटेल आपसे पूछेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपको चाहिए अपना पैन कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए साथ में, और आपकी एज यहाँ पे 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, तो आप इसमें अपना अकाउंट आराम से खोल सकते हो। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मुझे एकदम डिटेल में बनानी चाहिए इसकी वीडियो की, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, क्योंकि इतना ईजी प्रोसेस है, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ पे अकाउंट ओपन होने के बाद पूरे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको एक वीडियो KYC करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको एक वीडियो कॉल आएगा, आप अपना पैन कार्ड साथ में रखना, अपना एक वाइट पेपर रखना साथ में सिग्नेचर के लिए, और आप अपने खुद वहाँ बैठ जाना और वो 2 मिनट में आपको वीडियो KYC कर देगा। और उस वीडियो KYC के 72 आवर्स बाद आपका जो पूरा बैंक है वो पूरा फंक्शनल काम करने लग पड़ेगा। चलो यहाँ पे ये तो बात थी कि अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, अब पॉइंट ये आता है कि आप यही बैंक क्यों सिलेक्ट करो ओवर द अदर बैंक्स। अब इस बैंक में मुझे कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी। पहले तो मैंने बता दिया कि अकाउंट ओपनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल थी। अब यहाँ पे सेकंड फीचर की बात करते हैं कि इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा HDFC में अकाउंट है, HDFC में मुझे 5000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, अगर मैं वो मेंटेन नहीं करता पर मंथ तो मुझे यहाँ पे फाइन पड़ता है। और यहाँ पे आप अगर अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपको HDFC में 10,000 रुपीज मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो आपको वहाँ पे फाइन पड़ता है। अब यहाँ पे ये अमाउंट कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहता है मेंटेन करने के लिए, तो इसमें यहाँ पे आपका ये बैंक बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन की जरूरत नहीं है। और सेकंड चीज, इसमें जो आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा वो भी फ्री है। और सपोज आपने एक बार डेबिट कार्ड मंगाया और वो आपका गुम हो जाता है या टूट जाता है, फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको जो सेकंड डेबिट कार्ड भी फ्री में देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको कोई भी एनुअल चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको पता है आप कोई भी और बैंक खोलोगे, HDFC देखोगे या PNB देखोगे, तो उसमें आपको डेबिट कार्ड का भी एनुअल चार्ज पड़ता है, बट इस बैंक में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बैंक सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतना अमाउंट नहीं होता है 5,000-10,000 मेंटेन करने के लिए, तो उनके लिए एकदम बढ़िया रहेगा। यहाँ पे इन्होंने कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखे हैं, इन्होंने क्लियर कट अपनी वेबसाइट में हर एक चार्ज बता दिया है कि कौन कौन से चार्जेस आपको पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसके थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं। अब बहुत लोगों का डर रहता है कि जो ऑनलाइन बैंक है, जुपिटर बैंक है, क्या पता है हमारा पैसा लेकर भाग जाए। अब दोस्तों यहाँ पे इस बात की श्योरिटी आपको इससे हो सकती है कि ये जो बैंक है ये पावर्ड बाय है फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक वन ऑफ द लीडिंग बैंक है इंडिया में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, अपना पैसा सेविंग करोगे तो यहाँ पैसा डूब जाएगा, ये काफी बड़े बैंक के साथ यहाँ पे लिंक्ड है, तो यहाँ पे आप जो भी सेविंग करोगे वो आपकी सिक्योर रहेगी। तो अब यहाँ पे आपको ये ऐप बैंकिंग फैसिलिटी तो दे रही है, अब इसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। इसमें आपको UPI ऐप भी इसमें साथ ही देखने को मिल जाती है, तो आपको कोई सेपरेट ऐप डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिमिलर काम करेगी जैसा आपका पेटीएम बैंक था और पेटीएम का UPI था, वैसे यहाँ पे जुपिटर ऐप ही आपका काम करेगी। अब यहाँ पे इस ऐप की एक और फीचर की बात करते हैं। सपोज आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, ऑब्वियसली आपके पास और बैंकों में अभी तक अकाउंट होंगे, अब यहाँ पे आपको उनका बैलेंस चेक करने के लिए सेपरेट ऐप डालने की जरूरत नहीं है, आपके इसी ऐप में सारे बैंक लिंक हो जाएंगे। जैसे मेरा HDFC और एक PNB है, तो यहाँ पे मेरे दोनों बैंक का यहाँ पे बैलेंस बता रहा है, जो कि काफी कन्वीनियंट रहता है, मुझे सेपरेट ऐप बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप एक नीचे ऑप्शन एक और देख सकते हो, इनसाइट्स ऑफ द मंथ। इस ऑप्शन में दिखाया कि आपने इस मंथ कितना स्पेंड किया है और आपके अकाउंट में कितना डिपॉजिट हुआ है। और यहाँ पे आप एक और ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे अमेजोन और स्विगी का अलग से ऑप्शन है। अगर आप अमेजोन में ज्यादा शॉपिंग करते हो और स्विगी में ज्यादा शॉपिंग करते हो, तो आप यहाँ पे रिजल्ट फिल्टर कर सकते हो कि अमेजोन में आपने कितना स्पेंड किया है और आपने स्विगी में कितना स्पेंड किया है। और मुझे लगता है फ्यूचर में यहाँ पे और ऐप्स को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इस ऐप का एक और फीचर है लोन ट्रैकर। सपोज आपको कोई लोन चल रहा है, आपने कोई लोन लिया है, जैसे मेरा है अमेजोन पे लेटर में, वो मुझे क्रेडिट देते हैं, तो अगर मैं स्पेंड करता हूँ तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने इतने मनी स्पेंड किए हैं, और यहाँ से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो उसे पे करने का। तो यहाँ पे ये फीचर उनके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा जिन्होंने मल्टीपल लोन्स लिए हो, उन्हें याद नहीं रहता कि कौन सा लोन मैंने कब पे करना है, तो यहाँ पे आप इधर रिमाइंडर सेट कर सकते हो, आपको हमेशा यहाँ पे याद रहेगा कि आपको अपना कब लोन पे करना है। अब यहाँ पे अगर हम इनके डेबिट कार्ड की बात करें, तो इनका काफी अलग सा दिखने वाला डेबिट कार्ड है। यहाँ पे आपको वीजा का डेबिट कार्ड ये देंगे,
प्लस आपको ये वर्चुअली मिलेगा और ये फ्री में आपके घर पोस्ट भी कर देंगे, तो आपको एक फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे इस डेबिट कार्ड की खास बात ये है कि अगर आप इसे स्पेंड करोगे तो टोटल जो स्पेंडिंग होगी उसका 1% आपको रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप इसे ATM में यूज करोगे तो फेडरल बैंक के ATM में तो आप इसे अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो, बट अगर आप इसे यूज करते हो किसी और बैंक में तो आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ चार्ज पड़ेगा जैसे और बैंकों के कार्ड में आपको देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस बैंक में आपको 2.65% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा कम है और प्राइवेट बैंक से, बट यहाँ पे आपको ये दे रहे हैं 0 बैलेंस अकाउंट, तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। और अगर यहाँ पे और इसके सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करें, आपको फ्री UPI, ऑब्वियसली UPI फ्री होता है, NEFT और RTGS आपकी फ्री होगी यहाँ पे, आप कितने भी कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 1% आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा आपके डेबिट कार्ड में, बट ये अप टू 150 रुपीज़ है, मतलब आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पे महीने के 150 रुपीज़ ही मिल पाएंगे। और जो UPI में आपको रिवॉर्ड मिलेगा 1% का, वो आपको अप टू 100 रुपीज़ ही है, तो मतलब आप महीने के 100 रुपीज़ यहाँ से अर्न कर सकते हो। यहाँ पे अगला फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे आपकी जो 0 forex फीस है 25,000 तक की, अगर आपको यहाँ पे ये कम लग रही है तो इसका आप प्रो सैलरी अकाउंट भी खोल सकते हो, उसमें आपकी जो तो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 रुपये यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम आपकी 25,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। इसमें आपको 0 forex फीस अप टू 1 lakh rupees पर मंथ देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल बंदे के लिए काफ़ी रहेगी। तो ये थे इसके प्रो सैलरी अकाउंट के कुछ फायदे। यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी फ्री अप टू 2 lakh rupees की, तो यहाँ पे अगर आप अपना सैलरी अकाउंट खोलोगे तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गाइज, यहाँ पे यही मेन फीचर थे जुपिटर ऐप के। अगर आपको भी इसमें अकाउंट खोलना है, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको भी एक 0 बैलेंस अकाउंट चाहिए था ऑनलाइन बैंक, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी तक तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, अब मैं इसे लॉन्ग टर्म यूज़ करूँगा, तब इसमें कोई अगर मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, एक जिसमें आपको इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं इसमें। फिलहाल तो मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। सो अगर यहाँ पे आपने इसका इंस्टॉल करने का सोचा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो गाइस, बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।